राजा जी के पास आए हैं, क्योंकि इस समय तेलंगाना में लड़ाई चल रही है। साइलेंट। लड़ाई चल रही है तेलंगाना के स्वाभिमान की और एक व्यक्ति की तानाशाही और अहंकार की। उस अहंकार और तानाशाही के खिलाफ, उसकी करप्शन के खिलाफ, उसके परिवारवाद के खिलाफ राजेंद्र जी ने आवाज उठाई है और आवाज उठाकर उन्होंने जनता की आवाज को डीआरएस के अंदर भी उठाया, समाज में भी उठाया और आवाज को दबाने का प्रयास हुआ। तानाशाही तरीके से तेलंगाना की आवाज को दबाया जा रहा, इसलिए जो आंदोलन तेलंगाना को बनाने के लिए शुरू हुआ था, जिसमें पिछले 20 साल से इटला जी संघर्ष कर रहे थे, यहां के विकास के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने जब देखा है कि अंदर सरकार को अपने सभी मुद्दे भूल गए, केसीआर के ऊपर, केसीआर का परिवार राजेंद्र जी के पास आए हैं, क्योंकि इस समय तेलंगाना में लड़ाई चल रही है। साइलेंट। लड़ाई चल रही है तेलंगाना के स्वाभिमान की और एक व्यक्ति की तानाशाही और अहंकार की। उस अहंकार और तानाशाही के खिलाफ, उसकी करप्शन के खिलाफ, उसके परिवारवाद के खिलाफ राजेंद्र जी ने आवाज उठाई है और आवाज उठाकर उन्होंने जनता की आवाज को डीआरएस के अंदर भी उठाया, समाज में भी उठाया और आवाज को दबाने का प्रयास हुआ। तानाशाही तरीके से तेलंगाना की आवाज को दबाया जा रहा, इसलिए जो आंदोलन तेलंगाना को बनाने के लिए शुरू हुआ था, जिसमें पिछले 20 साल से इटला जी संघर्ष कर रहे थे, यहां के विकास के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने जब देखा है कि अंदर सरकार को अपने सभी मुद्दे भूल गए, केसीआर के ऊपर, केसीआर का परिवार।